हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबर हिंदी टीवी न्यूज़। आज मालवनी महाड़ा में गेट नंबर 8 केयर हॉस्पिटल के पास राज बिल्डिंग के सामने एक मर्सिडीज़, जिसे हम कार कह सकते हैं, फोर्ड कंपनी की थी, उसने एक ऑटो वाले को काफ़ी बेरहमी से उड़ा दिया। जो कि जिसे उड़ाया है वो ऑटो और रिक्शा वाला था, जिसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है, काफ़ी जख्मी है। हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है कि इसके बचने की उम्मीद काफ़ी कम है। जो गाड़ी चला रहा था वो एक बच्चा था जिसकी उम्र 14 साल है। उसका कहना है कि गाड़ी बनने के लिए आई थी, उसके डैडी का कुछ गैरेज का बिजनेस है, लेकिन गाड़ी 14 साल का बच्चा चला रहा था, उसके चलाने क्यों दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है अगर इसकी जान जाती है तो। और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, रहवासी हैं महाड़ा के, उनका कहना है इस जगह पे अक्सर दूर दूर से लोग आते हैं और रफ़ ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी सीखने के लिए आते हैं, कई हादसे वहाँ हो चुके हैं। उनका कहना है हर महीने किसी ना किसी की जान यहाँ जाती ही रहती है। उन्होंने कई बार मालवनी पुलिस स्टेशन से मांग भी इसकी की है कि यहाँ पर ब्रेकर्स लगा दिए जाए या पुलिस का राउंडअप बढ़ा दिए जाए। काफ़ी मतलब वो लोग का कहना है कि हमने काफ़ी कंप्लेंट्स कर चुके हैं पुलिस स्टेशन में कि यहाँ पे कई तरह की इलीगल एक्टिविटी होती है, यहाँ पे लोग चरस गांजा भी लेने आते हैं, आड़े टेढ़े लोग आते हैं। पुलिस से मांग की है कि यहाँ पे पुलिस का जो राउंडअप होता है, जो सर्वे होता है, उसे बढ़ा दिया जाए। आइए हम यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने इस हादसे को लाइव देखा है उनसे कुछ बातचीत करते हैं, डॉक्टर से बात करके देखते हैं। इसे जो चला रहा था गाड़ी उसका नाम इश्तियाक है, 16 साल का बच्चा हमने आपको बताया, लेकिन जिसका एक्सीडेंट हुआ, जो रिक्शा ड्राइवर है, उसकी 3 बच्चे हैं, 3 लड़के 3 लड़कियां, टोटल 6 लोग हैं। एक बच्चे की शादी हो चुकी, बाकी लोग छोटे छोटे, अब उसके परिवार का क्या होगा। गरीब फैमिली है जो कि 3,000-4,000 भाड़े पे रहती है, अब क्या होगा उसके ना रहने पर, उसके परिवार का। इसके परिवार में जो तकलीफें आएगी उसका ज़िम्मेदार कौन है। क्या ये अमीर लोग जो बेधड़ले से गाड़ी चलाते हैं क्या उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे, प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करेगी, देखेंगे हम अपने अगले वीडियो में। फ़िलहाल तो हम आपको यही दिखाएंगे कि जिन लोगों ने इस हादसे को लाइव देखा है उनका क्या कहना है। मेरा नाम फैजान सिद्दीकी है, मैं यहीं पे रहता हूँ रामदेवा बिल्डिंग में। बहुत ज़ोर से बाइक जो था, कार वाला, एंडियावर चला रहा था, लड़का 15 साल का है। हाँ, लड़का 15 साल का है, बहुत तेज़ी से आया। अरे अंकल यहाँ से ना ऐसे यू टर्न ले रहे थे और उसकी ब्रेक नहीं लगी और उसने डायरेक्ट ठोक दिया, और गाड़ी 2 बार ऐसा राउंड राउंड हुई है। यू टर्न कर रहे थे और वो स्पीड में आया था, बहुत काफ़ी स्पीड में। ये रोड पे अक्सर करके ना लड़के स्पीड में लेके आते हैं बाइक और कार, और बहुत बुरी तरह से ठोका उसने, और फिर सब लोग इकट्ठा हुए, उनके सर में से ब्लड निकल रहा था। फिर हम लोग उनको लेके केयर हॉस्पिटल अनवर भाई और हम लोग लेके, ऑटो वाले को ही लगा, कार वाले को नहीं लगा, वो सेफ है, नहीं उसे कुछ। कार उसके पिताजी बता रहे हैं, उससे बात हुई उनके पिताजी से, उनके पिताजी बता रहे हैं कि वो कार मेरे साढ़ू की थी, और हाँ नहीं साढ़ू की थी, वो लेके आए थे उसको रिपेयर करने के लिए, और वो रिपेयर करने के बाद यहाँ पे घर पे आके खड़ा किए थे। उस लड़के को बोले थे कि खाली दिखा दे, लेकिन वो चाबी लेके राउंड मारा था। बस वही जैसे भी फैजान भाई ने बताया कि मैं घर से बाहर निकल ही रहा था, ये अभिजात बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, मेरा नाम अनवर है। तो बंदा यहाँ से यू टर्न मार रहा था ऑटो वाला, वो बंदा कुछ अबाव 40 या 45 अबाव के आसपास उसकी स्पीड थी, स्पीड में था, और लिटरली उसने इतना बुरा ठोका कि रिक्शा 2 बार गिरा, प्लस और ठुकने के बाद में वो बंदा रुका, भाग भी रहा था। उसको मैंने गाड़ी, उसकी गाड़ी की चाबी छीनी और गाड़ी लेके मेरे पास में रख ली। और यहाँ पे वैसे भी सभी लोग बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं बाहर के, जैसे महाड़ा के महाड़ा लोग के लिए तो बहुत कम है, ज़्यादातर आज की जो एज है जिनकी भी 7 नंबर के जो लोग हैं उनकी मम्मी डैडी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी मत दीजिए जिनकी एज नहीं है 15-16 साल की। उनको 3 दिन पहले ऐसे एक बंदे ने मुझे भी ठोका है, तो मैं भी वो भी बच्चा ही था बेचारा, तो मैं उसको कुछ नहीं कर पाया। ये देखो ना, पूरे घुटने उठने पे लगा हुआ है, ये देखो पैर पे लगा हुआ है, ये शाही श्रद्धा के नाके पे। जी जी, तो ये सब चीज़ें रोड का रोज का हो गया है, रोड का मतलब ये रोड पे अक्सर करके ना 7 नंबर 6 नंबर और कच्ची चाल के लड़के लोग बहुत तेज से बाइक लेकर आते हैं। एक दो बार हम लोग ने उनको बोला भी, पुलिस स्टेशन को भी लेटर दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन पुलिस की तरफ से कुछ नहीं है। हैवी साइलेंसर लगाते हैं, हैवी वॉइस वाला, और रात को भी 1-2 बजे तक ऐसे ही चलते रहता है। रोज रात का यही प्रॉब्लम है, बाहर से बाइकर्स आते हैं और यहाँ भगाते हैं, बहुत तेज़ी से भगाते हैं, बहुत बार हो जाता है,
एक बार माइकल लड़का वहाँ लास्ट में भी एक्सपायर हुआ था, फुटबॉल खेले थे बच्चे लोग वहाँ भी, यहाँ माँ बिल्डिंग के पास भी हुआ है। मतलब ये हफ्ते में एक बार किसी ना किसी का एक्सीडेंट होती है। मैं मालवनी पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो कि रात में और या शाम के टाइम जो लड़के बाइकर्स आते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी एंटीक बना के लाते हैं, उनके ऊपर प्लीज़ कार्रवाई करिए। और साउंड की हालत खराब हो जाती है, साइलेंसर की आवाज़ इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि हार्ट पेशेंट की होते चला जाए ऊपर, ज़्यादा कमज़ोर हो तो। जी हम लोग मैं थे फैजान, फोटोज भी मैंने आपको भेजा है, फोटोज मैंने भेज दिया एकदम क्रिटिक। अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ये बोला है कि जहाँ तक मेरी कोशिश हो सकती है मैं कर सकता हूँ, बाकी अभी तो बाकी भाई जब इनिशियल ट्रीटमेंट दे दिया गया है, डॉक्टर सबाउद्दीन सर ने इनिशियल ट्रीटमेंट दिया है उनको, लेकिन अंदर स्कल फ्रैक्चर है, बहुत मेजर फ्रैक्चर है, उसके लिए हायर सेंटर भेजना पड़ेगा। और यहाँ भी हो सकता है ट्रीटमेंट, लेकिन उसके जो रिक्शा ड्राइवर है उसकी चार लड़कियाँ हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई है और मेरे ख्याल से बहुत भाड़े के रूम में रहते हैं और उनके ट्रीटमेंट के लायक नहीं, तो शायद हमें केम में रिफ़र करना पड़ेगा, ये बात हुई है। हाँ उनके परिवार वाले वहाँ केयर हॉस्पिटल में है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं। हाँ मेरी बातचीत हुई उनसे, लोग सब तो रोना रो ही रहे हैं अभी तक, उनसे मेरी बातचीत हुई। रिक्शा वाला अल्फला स्कूल के पास के पास कला विद्यालय के आगे रेंट पे रहता है वो भी। हाँ रेंट पे रहते हैं अल्फला स्कूल के पास में। हाँ उनका एक लड़का है, साजिद नाम है उस लड़के का, वो केयर हॉस्पिटल में ही है। जो उसका नाम तो आपने पूछा भी नहीं, उस्मान 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 अंसारी, मोहम्मद उस्मान अनवर अली अंसारी जो पेशेंट है। तो अभी आपने देखा कि महाड़ा में राज बिल्डिंग के सामने एक एक्सीडेंट हुआ, रफ ड्राइविंग की वजह से एक रिक्शे वाले की जान जा सकती है, ऐसा डॉक्टर का कहना है कि बहुत कम चांसेस है उसके बचने के लिए। एक 16 साल 17 साल का लड़का था जो रफ ड्राइविंग कर रहा था एक गाड़ी लेकर, हम फोर्ड गाड़ी कह सकते हैं उसको। ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोग इस तरह की गाड़ी ना चलाएं, संभाल कर चलाएं, जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो, जो आपके पीछे हो सकता है उसको ना आए, आपको ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए। धन्यवाद। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471111। धन्यवाद।